cosa, no era que se la grabe. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिर से। और अभी हम लोग जा रहे हैं बालो कुमारी, लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास रही बालो कुमारी। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग मेरे दोस्तों के साथ। आप लोग मेरे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, इससे पहले वाला वीडियो, वो आपको आई बटन में आ रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, सब कुछ आपको वो वाला वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, यहाँ पर बात करते हैं। अभी टाइम लगभग 3 बज गया है, अभी बालो कुमारी में पहुँचते और आधा घंटा या शायद 20 मिनट लग जाएगा। पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर से पहाड़ के ऊपर तो गाड़ी लेके जा सकते हैं। और एक बात, आप लोग को भी, मेरा बाइक से भी मैं आया हूँ बालो कुमारी, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में आएगा, इसके बाद वो वाला वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आएगा कुछ। अभी आप लोग थोड़ा सा सिनेमेटिक का मज़ा लूटिए, हम फिर से आपसे मिलते हैं। कुमारी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे महेंद्रगिरी। यहाँ से लगभग महेंद्रगिरी का डिस्टेंस शायद 60 किलोमीटर के आसपास होगा। आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखें तो मेरे आई बटन में आ रहा होगा, जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। चलो मिलते हैं गाड़ी पे, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये शिव जी का पेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पोजीशन, दूर से बहुत अच्छा लगता है। अभी चलो यहाँ से महेंद्रगिरी का लगभग डिस्टेंस आपको जैसे बता दिया 60 किलोमीटर है, लेकिन टाइम शो कर रहे हैं 4 घंटे के आसपास लग जाएगा। और महेंद्रगिरी में भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, चलो वहाँ पर जाके घूमते हैं, कैसा जगह है आपको भी पता चल जाएगा। आज थॉर का टेस्ट करेंगे वहाँ पर महेंद्रगिरी पर। अभी यहाँ से महेंद्रगिरी का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर के आसपास जो लोकल लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा नेट नहीं चल रहा है, कि रोड का कंडीशन बहुत बुरा है, बहुत बुरा। लोग बोल रहे हैं 40 किलोमीटर को मिनिमम 2 घंटे के आसपास लग जाएगा पहाड़ के ऊपर जाने से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना ऊपर आ गए हैं, अभी बादल देखने को मिल गया हमको, और ऊपर जाएंगे।
ये महेंद्रगिरी हमारा उड़ीसा का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट है और देवमाली हमारा फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है उड़ीसा का, ये सेकेंड है। बहुत बाइकर्स भी रिटर्न कर रहे हैं, घूम के आ रहे हैं वहाँ से, शायद ऊपर बारिश हो रहा है। और एक बात, आप लोग कोरापुट का देवमाली का वीडियो अब तक नहीं देखें तो वो भी आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पर भी हम लोग गए थे दिसंबर में, आप लोग वो वीडियो भी जाके चेकअप कर सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा ऊपर, नहीं तो मैं नीचे लिंक पे भी छोड़ दिया, आप लोग जाके देखिए वो वाला वीडियो भी, थोड़ा सा एंजॉय करिए। यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग एसी बंद करके बाहर का हवा ले रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ का सीनरी का मज़ा लीजिए, हम भी लेते हैं सीनरी का मज़ा, मिलेंगे आपसे ऊपर, ऊपर जाके आपसे बात करेंगे, आप तब तक सिनेमेटिक का एंजॉय लीजिए। क्या व्यू है, शानदार व्यू, क्या बताऊँ, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आना महेंद्रगिरी घूमने के लिए, यहाँ पर आप लोग भी कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो भी मुझे पता है आपको इसलिए बताया। हम लोग ऊपर पहुँचते पहुँचते शायद शाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। चलो अभी आप लोग सिनेमेटिक एंजॉय करेंगे। It feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Make your own sunshine. Smoke 'cause it's alright. Your heart's a red kite. Let it lift you up. Can you feel the भाई साहब, नज़ारा कैसे लग रहा है? ऑसम भी हुए। हमारा रेड से अभी तो सामने कुछ नहीं दिख रहा है, अभी बादल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से अभी और 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे,
ऊपर जाने के बाद आएगा महेंद्रगिरी, वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है वहीं पर जाके पता चलेगा। अभी तो लगभग बहुत दिन के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मुझे मिला, बहुत दिन के बाद मतलब 2 या 3 साल जब भी गैंगटॉक गया था उस टाइम, और उसके बाद देवमाली जब भी गया था इसी तरह नज़ारा देखने को मिला था। अभी तो देवमाली में नहीं इसी तरह तो नज़ारा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत एडवेंचर आप लोग कर सकते हैं। देवमाली में तो अभी एडवेंचर के नाम में कुछ भी नहीं है, रोड तो ठीक ठाक हो गया है। यहाँ पर आपको एडवेंचर भी मिलेगा, फोन भी मिलेगा, सब कुछ एंजॉय करोगे, इसलिए मैं रेफर करूँगा महेंद्रगिरी आइए। यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं, रात को एंजॉय करके जाना। अभी तो अभी बादल के अंदर हैं इसलिए हमको विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं तो सभी जगह हमको देखने को मिलना था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं इसलिए आपको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। चलो और ऊपर जाने के बाद कहाँ पर कैंपिंग करना है क्या सब कुछ बताएंगे, चलो ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं महेंद्रगिरी में, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, शायद नीचे पॉइंट होगा। अभी राइट साइड में भी आप लोग यहाँ पर भी कैंपिंग कर सकते हैं, रुक सकते हैं भी रात को, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर देख के आए हैं बहुत सारे बंदे भी कैंपिंग लगा के वहाँ पर रुके थे। अभी आप लोग भी आके भी कैंपिंग करके रुक सकते हैं यहाँ पर। अभी नीचे कोई गाड़ी भी दिख रहा है, शायद वहीं पर एंडिंग पॉइंट है या उससे भी नीचे है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसीलिए, और शाम भी हो गया है। अभी यहाँ से घूम के निकलते हैं। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लेट में आके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी बादल बादल ही हैं क्योंकि ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। अभी रात होने से पहले हमको जाके इस पॉइंट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा लगभग डिस्टेंस 400 किलोमीटर के आसपास रही। अभी बहुत टायर्ड भी हो चुके हैं इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जगह था घूमने का चीज़। लेकिन कभी बाइक लेके आएंगे। और एक बार यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग आए थे टांपरा लेक, टांपरा लेक से आए बालाकुमारी, बालाकुमारी से आए महेंद्रगिरी। हमको पता नहीं था महेंद्रगिरी इतना अच्छा जगह है, इतना सीनरी भरा भरा सीनरी मिलेगा, इसलिए शायद हमको मालूम होता तो हम लोग सुबह यहाँ पर आ जाते, टांपरा लेक कैंसिल करके, बालाकुमारी कैंसिल करके। लेकिन पता नहीं था तो आ गए ऐसे ही थोड़ा सा घूम लिया। अभी चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके भुवनेश्वर भी जाना पड़ेगा, वो भुवनेश्वर से गांव भी निकलना पड़ेगा। अभी टाइम भी हमारे पास नहीं है, कभी आएंगे बाइक लेके यहाँ पर घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे और रात कैंपिंग करेंगे, सुबह निकल के जाएंगे सनराइज देख के। और आप लोग यहाँ पर आने चाहते हैं तो सुबह आइए, शाम को निकल जाइए। जो फैमिली लेकर आता है, जो तो सिंगल बाइक बाइक ले जा रहे हैं, वो भी रात में यहाँ पर लोग भी रुक रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। कैंपिंग के लिए फैसिलिटी भी है, आप लोग रुकिए। चलो इसके बाद मेरा लद्दाख ट्रिप का वीडियो शुरू होने वाला है। इसके बाद लद्दाख का वीडियो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मेरा पोस्ट देखने के लिए मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।